नमस्कार, गुड आफ्टरनून। 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मैं हूं आरजे अनिमेश। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, एक और आपके फेवरेट एक्टर के साथ बिल्कुल तैयार हूं। जी हां, जब जब हमने इनको स्क्रीन पर देखा है, एक नए अंदाज में देखा है। हमेशा इनकी जो कॉमिक टाइमिंग है वो काबिले तारीफ रहती है। बहुत अच्छे डांसर भी हैं और इसीलिए आज हमारे शो के गेस्ट हैं। उनके साथ हमारी बातें होने वाली है। स्वैग से स्वागत कीजिए नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर आकाश दवादे का। आकाश हमारे साथ इस वक्त है। आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। थैंक यू सो मच, कैसे थैंक यू हैं सो सर? मच आरजे। बस ऑल गुड एंड थैंक यू फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन आरजे अनिमेश। बहुत अच्छा लग रहा है सर, आज आपको पाया है। आखिरकार मैंने आज आपको पकड़ ही लिया। यस, आपने पकड़ ही लिया, थैंक यू सो मच, अच्छा हुआ पकड़ा। जी बिल्कुल, बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आकाश के साथ बातें करूं, क्योंकि उनके उनके करियर के बारे में तो हम बातें करेंगे, लेकिन बधाई देना चाहूंगा। लूट केस में इनके किरदार को बहुत पसंद किया गया। मस्त राम की अगर हम बातें करें, अभी मैं करंट है उनके उनके वेब सीरीज एंड मूवीज की बातें कर रहा हूँ, बहुत पसंद जी जी किया गया जी उनके बारे में, तो सर मैं बातें करूंगा। लेकिन आकाश भाई, दुनिया आपसे जानना चाहती है, हर एक बंदा, हर एक फैन आपका जानना चाहता है, नेट जियो आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, मैंने फाइनली नेट जियो बताइए तो आगे। सब्सक्राइब कर लिया है, और इनफैक्ट मेरे पास हॉटस्टार का भी सब्सक्रिप्शन नहीं था ताकि मैं लूट केस देख सकूं, तो मैंने वो भी ले लिया है फॉर लूट केस। चलिए चलिए, बहुत अच्छा हुआ ये चाहती थी, ये बहुत बड़ा सवाल था और इसका जवाब आपने जी दे दिया। जी चलिए जी शुरू जी करते हैं इंटरव्यू। आकाश भाई, या सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि आपके साथ ऑफ एयर बातें हो रही थी, आपने बताया कि समय थोड़ा बदल गया, जैसा हम सब जानते हैं न्यू नॉर्मल में शूटिंग वगैरह शुरू हुई है, करेक्ट तो मैं करेक्ट जानना चाहूंगा ये जो लॉकडाउन का वक्त गया, सबसे पहले अगर शेयर करें, कुछ आपने नई चीजें री इन्वेंट की, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होते होते डबिंग वगैरह शुरू हो गई थी, जो हमने देखा है, आपने फोटोज भी डाले थे, तो कैसा रहा ये करेक्ट लॉकडाउन का पीरियड? यार, मतलब बहुत ही वियर्ड था लॉकडाउन, क्योंकि इनिशियली इतना वियर्ड नहीं था, क्योंकि हम आर्टिस्ट लोगों को क्या आदत है घर पे बैठने की। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर अनएम्प्लॉयड और हमको घर पे बैठना पड़ता है, पेशेंटली वेट करना पड़ता है आफ्टर एवरी प्रोजेक्ट की और कौन सा फिल्म आए, और हम लोग जनरली क्या अच्छा काम ही चूज करते हैं, कुछ भी काम चूज नहीं कर पाते तो रुकना पड़ता है, तो पेशेंस बहुत नेसेसरी है एक आर्टिस्ट के लाइफ में। तो वैसे तो आदत थी घर पे बैठने की, पर 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, सो तीसरे महीने में थोड़ा भी लगने लगा कि यार अभी सेट पे जाना चाहिए, अभी काम शुरू होना चाहिए, बट काम तभी भी शुरू हुआ नहीं था, तो सोचा कि अभी टाइम मिला ही है तो कुछ सीख लेते। सो आई स्टार्टेड लर्निंग कुकिंग, क्योंकि मुझे वो आटा बुनना वगैरह मैं हमेशा क्यूरियस रहता था कैसे करती है सारी औरतें कैसे करती है। सो मैंने कुकिंग पे मेजरली मैंने ध्यान दिया, क्योंकि कुकिंग इटसेल्फ इज अ थेरेपी। आई रियलाइज जब मैं कुकिंग करना चालू किया करेक्ट। यार ये तो एक थेरेपी है, म्यूजिक सुनने जैसा, ये तो आप मस्त मगन हो जाते हो और आपके हाथ का ही भले ही वो जला हो पर खाने में मजा आता है। मजेदार बनता है। जी हाँ, अपने हाथ का बना हुआ करेक्ट, कुछ भी आप बनाओगे काफी मजेदार बनता है। तो क्या एग्जैक्टली। क्या तो ये चीजें बनाई, मेरे एक दो डिशेस के नाम बता दो सर। मैंने आटा बुनना सीखा मेन तो, हाँ, और ऑमलेट तो मुझे आता ही था, ऑमलेट और चाय आता था, पर चाय और बेहतर बनाने लगा हूँ, और थोड़ा उसमें कुछ कुछ डालने लगा हूँ, एक्सपेरिमेंट करने लगा हूँ। पोहा सीखा हूँ मैं, बहुत बढ़िया। डोसे सीखा हूँ करना, और सब्जियाँ सीखा हूँ, भिंडी की सब्जी सीखा हूँ, मेथी, आलू तो ईजी है वैसे, क्योंकि आलू में सिर्फ आलू डालना होता है, मेथी पहले आपको भिगोनी पड़ती है, वो सारा प्रोसीजर है, बेसिकली वो सब मैं सीखा हूँ वन बाय वन। और क्या बात, बाकी क्या बात है। तो अपने तो वेब सीरीज देखी मैंने, मैंने डार्क खत्म की, शेरलॉक होम्स खत्म की, फार्गो देख लिया, तो ये सब चीजें की मैंने। बिल्कुल सर, बिल्कुल इसी तरह से ज्यादातर लोगों ने अपना वक्त जो है बिताया है, और आप भी उनमें से एक करेक्ट ही हैं। तो आकाश सर, मुझे करेक्ट बताइए कि अगर हम शुरुआती दौर की बातें करें, जैसे कि शुरुआत की अगर हम बातें करें, थ्री इडियट्स से लेके शुरुआत हुई, धीरे धीरे करके मूवीज है एक के बाद एक अच्छे अच्छे मिलते गए, तो सर ये शुरुआत कैसे हुई थी? बचपन से ही आपने सोच रखा था कि हाँ कुछ ऐसा करना है मुझे, कि अब बड़े होंगे तो किसी एक्टर को फॉलो करते थे, एक्टिंग में जाना है, ऐसा कुछ था आपका प्लान? जी, कैसा हुआ बेसिकली, मतलब मैं जब छोटा था तब हमारे कॉलोनी में गणपति फेस्टिवल जब आता था, इसलिए मेरे ठीक लिए है फेस्टिवल भी बहुत स्पेशल है, बिकॉज आज मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ, बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिवल। तो जब भी आता था तभी हमारे बिल्डिंग में अंकल आंटीज कॉम्पिटिशन रखते थे ड्यूरिंग द 5 डेज ऑफ फेस्टिवल, जैसे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हो गया या फिर इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन हो गया, और हम उसमें हिस्सा लेना पड़ता था हमें कंपल्सरी। तो तब मुझे रियलाइज ओके हुआ कि यार मेरे में कुछ तो बात है, और फैमिली को रियलाइज हुआ कि यार ये थोड़ा नाच भी सकता है, थोड़ी मिमिक्री भी कर लेता है, थोड़ा यू नो स्टेज पे आके बात भी कर सकता है लोगों से, और मेरा भी वैसे स्टेज फेयर कम भी हुआ। तो मैं फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में कभी माइकल जैक्सन बनता था, कभी चार्ली चैपलिन बनता था, कभी बॉक्सर बनता था, तो तब रियलाइज हुआ कि ये गुण है मेरे में, तो वो एक्चुअली शुरुआत थी। एंड देन आफ्टर अ पॉइंट जब मेरा स्कूलिंग हुआ
तो तब मैं रुइया कॉलेज में आया जो कि मुंबई में है, विच इज़ वेरी फेमस फॉर आर्ट्स। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार जब मैं थिएटर में वहाँ गया तब मुझे रियलाइज हुआ कि यस मैं एक्टर बन सकता हूँ, मैं थोड़ा बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ। एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। फिर वहाँ पे मैंने बहुत सारे प्लेस किए, 8 साल थिएटर किया मैंने दबा के। और फिर उसके बाद मेरा एक प्ले देखने राजकुमार हिरानी सर के कास्टिंग डायरेक्टर आए थे, क्योंकि तभी वो मिलीमीटर की कास्टिंग कर रहे थे फॉर 3 इडियट्स। तो मैंने मिलीमीटर का ऑडिशन दिया था, पर उनको मिलीमीटर एकदम लड़का चाहिए था और मेरे मतलब ऐसे बाल वाल आ गए थे चेस्ट पे। तो राजू सर का कहना था कि अरे नहीं ये थोड़ा बड़ा लगेगा, तो राजू सर ने बड़ा बोला लगेगा। इसको सेंटीमीटर के लिए ऑडिशन कर दे, जो कि मिलीमीटर का बड़ा वर्जन था फिल्म में। बट सेंटीमीटर के अभी अच्छा हुआ ऑडिशन, बट उसका चेहरा मिलीमीटर से मैच नहीं हो रहा था मेरा चेहरा, उनको थोड़ा फ्रेम सेम चाहिए थी। तो फिर राजू सर ने बोला यार तू अच्छा कर लेता है, तेरा कॉमिक टाइमिंग दिखता है तेरे ऑडिशन में, एक काम कर मैं तुझे ऐसा ही रोल देता हूँ, आमिर के पीछे तुझे खड़ा करूंगा, कंटिन्यूटी रखूंगा 1 महीना, तू करेगा क्या, आर यू ओके विद इट, तो ही कर। उन्होंने बहुत प्यार से पूछा, इट वॉज वेरी नाइस। मैंने बोला सर आपके साथ रहूंगा तो सीखूंगा, बस मुझे करना है। एंड दैट्स हाउ माई जर्नी बिगैन। तो मैं 1 महीना हम लोग बैंगलोर में शूट कर रहे थे, तो आमिर सर को देखा, माधवन को देखा, शर्मन सर को देखा, राजू सर का डायरेक्शन देखा, बहुत कुछ सीखा। एंड वहाँ पे जो एसोसिएट डायरेक्टर थे राजेश मापुस्कर ऑफ 3 इडियट्स, उनकी पहली फिल्म की वो कास्टिंग कर रहे थे, ही वाज राइटिंग दैट फिल्म फरारी की सवारी। तो तभी उन्होंने फरारी मुझे की सेट पे सवारी। थोड़ा ऑब्जर्व किया, ही न्यू इसने ऑडिशन अच्छे दिए है तो चलो इसको ट्राई करते। फिर उन्होंने मुझे मोहन का ऑडिशन देने बोला जो कि उनके फिल्म का कैरेक्टर था। एंड दैट्स हाउ माई फर्स्ट मेजर रोल हैपेंड ड्यू टू फरारी की सवारी। सो बेसिकली राजू बिल्कुल सर की वजह से बिल्कुल मैं एंटर हुआ और फिर वहां से फिर चालू हो गई जर्नी। बिल्कुल, मोहन के किरदार को बहुत पसंद किया गया है। जिन लोग जब भी जी हम जी आपको जी देखते हैं तो वो रोल जो है, मोहन का किरदार जो है वो नजर आ जाता है। तो क्या हम कह करेक्ट सकते हैं कि ये जो करियर जो शुरू हुई, इसमें थ्री इडियट्स सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार, इम्पोर्टेंट रहा है यस आपका? यस थ्री यस इडियट करना बहुत जरूरी था। टोटली टोटली बहुत जरूरी था। तभी मुझे बहुत लोगों ने ये भी बोला था जो मेरे थिएटर के फ्रेंड्स थे कि यार दबाड़े तू इतना अच्छा एक्टर है, तूने इतना अच्छा थिएटर में कहा, क्यों कर रहा है ये छोटा रोल 3 इडियट्स में, क्या है इसमें। तो मेरा तब से मानना था कि रोल छोटा बड़ा नहीं होता है, आप एक एक फ्रेम में भी झलक दिखा सकते हो अपनी। दिस आई हैव रियली बिलीव्ड ऑल माई लाइफ और आगे भी मैं इसमें आई टोटली बिलीव इन दिस कि एक सीन एक फ्रेम ही काफी आपको दिखाने के लिए। एंड फॉर्चुनेटली वैसे ही हुआ, राजू सर एंड थैंक्स टू राजू सर एंड राजेश सर, उनको पता चल गया कि यार इस बंदे में कुछ तो है, वी कैन यूज इट, एंड वो क्लिक हो गया। फाइनली आई गॉट अ बिग ब्रेक बॉस, इन और फरारी की बॉस सवारी। का एक्सपीरियंस भी अगर शेयर करें, बॉस में भी आपके रोल को बहुत पसंद किया गया, अक्षय कुमार के साथ आप नजर आए, वो भी यस यस काफी काफी यस पसंद किया तो गया। करेक्ट। तो हुआ यू फरारी की सवारी के बाद मुझे एड्स के ऑफर आने लगे, तो जी मैंने एक एड की थी विच वॉज फॉर अ फोन कंपनी ब्रांड, तो वो एड भी काफी चली थी। और हुआ क्या, वो एड अक्षय सर ने वैन में देखी, व्हेन ही वाज शूटिंग ही वाज वाचिंग अ क्रिकेट मैच, तो उन्होंने वो एड देखी। एंड एट द सेम टाइम बॉस की कास्टिंग चल रही थी, सो ही सेड अरे यार ये कौन है ये एड वाला लड़का। और उसमें मैं जो उनको चाहिए था बॉस में कैरेक्टर वैसा ही मैंने प्ले किया था एड में, थोड़ा शाणा, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट लड़का, ऐसा ही कैरेक्टर था वो एड में। सो ही सेड इसको बुलाते हैं एंड वी विल ट्राई हिम। तो मुझे ऑफिस में बुलाया गया एंड विदाउट एनी ऑडिशन जो कि अक्षय सर ने बोला था मुझे वो मिल गया। एंड दैट इज द मोस्ट मेमोरेबल पॉइंट ऑफ माई करियर जो मैं हमेशा याद रखूंगा। क्या बात है, क्या बात। तो इतने सारे टर्न्स हैं आपके लाइफ में, तो सबसे बड़ा आपको क्या लगता है ब्रेक कौन सा आप कहेंगे? आपको क्या लगता है कि इतने सारे जो काफी कुछ बदल दिया आपके लाइफ में, टर्निंग पॉइंट क्या होगा? आई गेस टर्निंग पॉइंट बॉस का ही है, बिकॉज बॉस है, जो राइट? पल मैंने जो या जो मैंने मोमेंट्स मैंने जिए है अक्षय सर के साथ सेट पे, एंड दैट वाज द बिगेस्ट। बिकॉज मैं आज कभी भी कहीं भी जाता हूँ इंडिया में, पैन इंडिया, तो लोग मुझे बॉस से ज्यादा पहचानते, बिकॉज जी वो फिल्म अक्षय सर बीइंग इन दैट फिल्म, वो सर सबने देखी है वो फिल्म। एंड बिकॉज वो फिल्म टीवी पे भी बहुत बार आई है, अभी भी आती है टीवी पे, आती है, तो आई गेस और जब दैट भी इज द आते हैं टर्निंग लोग पॉइंट। देखते जरूर हैं, यस यस लोग यस देखते जरूर हैं। डेफिनेटली देखते हैं, तो आई गेस दैट इज द टर्निंग पॉइंट इन माई करियर। ओके आकाश, लोग जानना चाहते हैं, आपके फैंस जानना चाहते हैं, आपकी पहली इनकम जो हुई थी, पहली कमाई कितनी थी, क्या आपने कमाया था, कैसे कमाया था, और क्या किया उन पैसों का? जी मेरी पहली थी जब एक थिएटर प्ले था जहाँ पे मैं एज अ बैकग्राउंड डांसर मैंने डांस किया था। एक कृणाल म्यूजिक करके कंपनी है जो एल्बम्स बनाते हैं ऐसे फोक सॉन्ग्स पे, तो उस पे मैंने ओके डांस किया था, बैकग्राउंड डांसर था मी एंड वन ऑफ माय थिएटर कलीग्स।
हम दो तीन लोगों ने, चूंकि मैं डांस भी अच्छा खासा कर लेता हूँ, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं करना चाहिए, भले ही पीछे नाच रहे हो, नाचना चाहिए, इट्स गुड, उतना ही आपका पॉलिशिंग होता है। बिल्कुल एंड फोक सॉन्ग्स पे नाचने का एक अलग मजा है। बिल्कुल या सो आई थॉट चलो नाचते, कॉलेज में थे तो कॉलेज के बाद रिहर्सल होती थी, थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे, तो उसके मुझे 1200 रुपये मिले थे। 1 महीना हमने रिहर्सल की थी और 3 दिन का शूट था, तो 1200 रुपये मिले थे। तो मैंने सोचा था वो ऐसे खर्च कर देता हूँ कहीं पे भी, क्योंकि कॉलेज में क्या इतना हम सोचते नहीं थे, पैसे आ गए, हाँ फिल्म देख ली, नहीं खाना खा लिया। बट हमारे एक थिएटर के डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे बोला कि ये तेरी पहली पेमेंट है 1200 रुपये, विच इज नॉट अ लेस अमाउंट, विच इज अ बिग अमाउंट एट योर एज, तो वो घर पे जाके अपनी माँ को दे। तो मैंने घर पे जाके क्या माँ को बात, दिया था वो, तो उसका माँ ने क्या किया मुझे पता नहीं, पर मैंने उनके हाथ में सौंप दी 1200 रुपये। बिल्कुल बिल्कुल उनका आशीर्वाद है और आपकी मेहनत है जो रंग यस लाई है, जो अभी भी आप अच्छे अच्छे किरदार जो है चैलेंजिंग रोल्स में नजर आते हैं, कॉमिक कॉमिक रोल की आपकी करेक्ट, टाइमिंग जो है हमेशा से लोगों को पसंद आती है। तो एक अच्छे कॉमेडियन की क्या पहचान होती है आकाश, आपको क्या लगता है? सी कॉमेडी इज अ वेरी टफ जॉब, इट्स रियली वेरी टफ। और जब लोग बोलते हैं कि मसाला फिल्में को थोड़ा लोग ऐसे ही देखते हैं कि अरे ये मसाला फिल्म है, बट व्हाट, मसाला फिल्म में काम करना इज द मोस्ट टफेस्ट जॉब, क्योंकि वो हैमिंग वाली जो कॉमेडी होती है ना, मतलब ये वो वाली जो जॉनी लीवर सर उसमें बादशाह है, वो बहुत टफ है, जी क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी जाती है। और ऐसा नहीं, गारंटी नहीं कि लोग हंसेंगे, तो वो हैमिंग इतनी करेक्ट होनी चाहिए, जैसे कि डबल लुक देना है, ये आंखें, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए आपको बहुत एनर्जी चाहिए, और उसके लिए आपको टाइमिंग का सेंस बहुत जरूरी है, कि खट करेक्ट खट 1 सेकंड भी आपका टाइमिंग गया लुक का भी, तो लोग नहीं हंसेंगे, इतना टफ नहीं है। नहीं तो फॉर कॉमेडी मुझे तो यही लगता है कि अगर आप थिएटर से हो और अगर आप तालीम करते रहो, तो आप अच्छी कॉमेडी कर पाओगे। और टू बी फ्रैंक, कॉमेडी टू कॉमिक टाइमिंग अगर आपके अंदर है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है, यू कांट फोर्स नहीं कॉमेडी। होगा। हाँ, तो आप जनरली अगर सार्कास्टिक हो, जनरली आपका ह्यूमर अच्छा है, जब आप दोस्तों के बीच में बातें करते हो, तो उसमें पता चल जाता है कि यार इसके पास टाइमिंग है, अगर नहीं है तो यू कांट फोर्स इट, और आप सीख भी बिल्कुल नहीं सकते बिल्कुल बिल्कुल कॉमेडी, इज व्हाट आई फील। हाँ बिल्कुल, ये अंदर से आता है और वो आपके अंदर है करेक्ट, जिसके कारण हमने देखा है कि आप अच्छे अच्छे रोल कर रहे हैं सर। लेकिन एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए आकाश भाई। जी जी मस्त बोलिए राम आप। मैंने देखी, मस्त जी राम मैंने देखी, अंशुमन ने सिर्फ कहानी आपको सुनाई है, मजा उन्होंने लिया, कुछ कहना चाहेंगे एक्सपीरियंस? सिर्फ आप कहानी सुनते रह गए सर, कुछ कुछ मतलब बताइए कैसा रहा कहानी कैसा एक्सपीरियंस? था? नहीं, अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं अंशुमन के साथ मैंने पहले भी काम किया था फॉर अ यूट्यूब सीरीज, तो ही इज मोर लाइक अ फ्रेंड, और जो प्रोड्यूसर है प्रॉब्लम मैन एंड सुनील बोरा जी, तो उनके साथ भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, उनको मैं पहले भी मिल चुका था लाइक 4 साल पहले, तो जेम ऑफ अ पर्सन, तो मजा आया। तो मेरा ऐसा था कि ठीक है भाई तुम मजे लो, मैं कॉमेडी करता हूँ, और मैं कॉमेडी करके निकल लेता हूँ, ये मेरा जॉब था। हाँ, मैंने बोला ठीक है आप कर लो मजे। और मैं एक्चुअली मेरा भी एक एक आध सीन ऐसे उनके दिमाग में था, पर मैं कंफर्टेबल था ही नहीं शुरू से, मैंने बोला बोरा सर नहीं रखते कुछ सीन, मतलब रहने दीजिए, मैं कॉमेडी करके निकल लेता हूँ, कॉमेडी करके। हाँ तो नहीं, ऐसा था लेकिन ऐसा। बहुत पसंद आया, जिस तरह से हमने देखा इस वेब सीरीज को, काफी मजा आया है और रिव्यूज भी काफी हुए जी हैं। जी जी तो जी ये ओटीटी के बारे जी में कुछ काफी कहना हुए, चाहेंगे सर? लूट के से रिलीज हुई और वेब सीरीज तो रिलीज हो ही रही है, बड़े बड़े मूवीज रिलीज हो रहे हैं, तो कैसा रहा, कुछ कहना करेक्ट। चाहेंगे, ये नया ट्रेंड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली इन अ वे अच्छा भी है नया ट्रेंड, बिकॉज अब क्या है, अगर छोटी फिल्में थिएटर में पहले रिलीज होती थी तो लोग इतने नहीं देखते थे, बिकॉज उतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती थी, उतना उनको ये नहीं मिलता था, उतना उनको ये नहीं मिलता था कि आंखें नहीं मिलती थी उतनी कि चलो ये फिल्म रिलीज हो रही है जाते हैं, बिकॉज छोटी फिल्म है, बजट कम है, उतनी वो प्रमोट नहीं जी कर पाते थे। बट बिकॉज ऑफ ओटीटी क्या हो गया है कि सब लोग आराम से घर पे देख सकते हैं, मतलब बड़े से बड़े कलाकार की फिल्म हो या फिर छोटे से छोटे कलाकार की फिल्म हो, दे आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, तो करेक्ट और लोगों को चॉइस है, घर पे बैठ के कभी भी देख सकते हैं। एंड इन अ वे, मतलब अभी ऐसे बोल नहीं सकते बिकॉज पैंडेमिक हैज बीन रियली टफ फॉर ऑल ऑफ अस, कोविड में हम सबको, वी हैव गॉन थ्रू ऑल द टफर सिचुएशन, बट एक ब्लेसिंग ऐसा आया है कोविड में कि लोग घर पे ही थे और लोगों ने इसलिए ज्यादा देखी फिल्में, ज्यादा और इसलिए देखी, राइट लोगों ने है। लूटकेस को भी काफी देखा, काफी लोगों ने देखा और काफी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, और फिल्म बिल्कुल भी अच्छी बनी बिल्कुल थी, और ऑडियंस का बहुत मैंने अच्छी बनी, जनरली बहुत ऑब्जर्व किया अगर फिल्म अच्छी
है या तो लोग अप्रिशिएट करते ही हैं। लूट के इज अ फैंटास्टिक फिल्म, मतलब मैं हूँ इसमें नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो फिल्म में मैं हूँ, बट इट इज अ हिलेरियस फिल्म। मैंने जब बिल्कुल देखी बिल्कुल मुझे बहुत बहुत पसंद आई, पसंद आई, मैंने मैंने भी मैसेज देखी, भी किया बहुत या बहुत अच्छा, मैंने बहुत अच्छा मैंने रिस्पांस अपने भी है करेक्ट जी। करेक्ट करे मैंने हमारे डायरेक्टर को मैसेज भी किया कि सर मतलब मैं हूँ इसलिए नहीं फिल्म में, बट व्हाट अ फिल्म, क्या बनाई है आपने। इट इज बेसिकली डायरेक्टर्स एंड राइटर्स फिल्म, जहाँ पे सब कलाकार इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने लवेबल लग रहे हैं, और सबने इतना प्यारा परफॉर्मेंस दिया है। ये क्रेडिट है डायरेक्टर और राइटर का। सो बहुत मजा बिल्कुल आया लूट, किसका रिस्पॉन्स वॉज बिल्कुल ट्रूली ओवरवेलमिंग। बिल्कुल। आकाश भाई, जब आपके साथ बातें हो रही है और हम लॉकडाउन की बातें कर रहे हैं और लॉकडाउन अब खुल रहा है, न्यू नॉर्मल हो रहा है, धीरे धीरे करके चीजें जो है वो नॉर्मल होती नजर आ रही है, वक्त थोड़ा लगेगा, लेकिन लोग काफी अभी भी लोग फील कर रहे हैं, बहुत सारी तकलीफें लोगों को हुई है, हर एक प्रोफेशन में, हर एक बिजनेस में, हर एक इंसान के लाइफ में हुई है। तो ऐसे कॉमेडियन आप क्या कहना चाहेंगे उन सभी से, अपने फैन से? आप इतनी अच्छी कॉमेडी कर लेते हैं, सबके चेहरों पर मुस्कान लाते हैं, लेकिन लोग अभी चेहरे पर मुस्कान आ जाए लेकिन दिल से वो इस वक्त बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्या मैसेज रहेगा सर? जी देखिए, एक बेस्ट कॉमेडियन या फिर एक बेस्ट एक्टर वही होता है जो उसके लाइफ में भी जो भी कुछ चल रहा होगा वो सब भुला के वो आपको हंसाता है। सो ऐसा नहीं कि हम करेक्ट कॉमेडी करते हैं, मतलब हम खुश है। मैं भी काफ़ी एंग्जाइटी, काफ़ी बोर्डम, काफ़ी सैडनेस से गया हूँ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। ये ह्यूमन इमोशन है, क्योंकि मैं भी काफ़ी एंक्शस होता था कि अरे आगे क्या होगा, कैसे होगा। और आप न्यूज़ देख रहे हो कि लोग इतने इतने एडमिट हो रहे हैं, इतने केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप भी सैड हो जाते हो। सो ऐसा नहीं है। सो इवन आई हैव गॉन थ्रू दिस, बट वी कैन ओनली थिंग वी कैन डू इज बी पॉजिटिव। योग कीजिए, सुबह उठ के मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, ईट वेल, ईट हेल्दी, और जल्दी सो जाइए। यही है जो वी कैन डू। और वी कैन ओनली प्रे, यू नो, कि चीज़ें सारी अच्छी हो जाए आगे जाके। तो आई एम नो पॉजिटिव रहना इतना इजी नहीं है, बट दैट्स हाउ यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू बी पॉजिटिव। तो प्लीज बी पॉजिटिव, स्टे सेफ, और अभी भी बाहर मत निकले, इफ नेसेसरी तो ही निकले, नहीं तो घर पे रहे बिल्कुल एंड वर्क ऑन योर बिल्कुल, सेल्फ। थोड़ा थोड़ा और बिल्कुल थोड़ा इंतजार और करना होगा सर। आने वाले कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताना चाहेंगे, चूतिया नगिरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? क्या किसके बारे में? नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, अभी अभी तो दो फिल्में और आएंगी। एक है क्या मस्ती क्या धूम, जिसमें मैं हूँ, संजय मिश्रा सर है, जॉनी लीवर सर है, विजय राज है, वो भी बहुत फनी फिल्म है विद ऑल द टैलेंटेड कास्ट। ये सब सारे टैलेंटेड एक्टर्स है ही, आपको पता है। एंड सेकेंड इज बबलू बैचलर, जिसमें मैं हूँ, शर्मन जोशी सर है, असरानी सर है, तो वो भी एक फनी फिल्म है, मैरिज पे है। सो वो आएगी फिल्म। तो ये सब प्रोजेक्ट्स हैं, होपफुली मस्तराम सीजन 2 भी आ जाएगा जल्दी, तो वो भी एक है। सो फिलहाल ये प्रोजेक्ट्स यानी कि हैं। बहुत बहुत सारी चीजें अभी कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि इसी तरह से आप हम सबको एंटरटेन करते रहें, नए नए चीजों में ध्यान दें और नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करें और हम सबको एंटरटेन करते रहें। थैंक यू सो मच आकाश, हमारे साथ बातें करने के लिए बहुत अच्छा लगा आपके साथ थैंक यू बातें सो करके। मच, ऑल द बेस्ट थैंक एंड यू यू आर सो द मच बेस्ट। अमेश भाई, एंड सॉरी। अरे थैंक यू सो मच, एंड सॉरी, मैं थोड़ा बहुत दिन लगा लिया आने में, बट थैंक यू फॉर नहीं द नहीं कोई बात नहीं, पेशेंस कोई एंड बात थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। नहीं, बहुत मजा आया सर, बहुत जल्दी आपके साथ मुलाकात होगी। टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच सर, यस थैंक यू, यस, पक्का, मैं थैंक यू, कोलकाता आऊंगा तो पक्का मिलेंगे। बिल्कुल स्टूडियो में मिलेंगे। थैंक यू आकाश भाई, थैंक यू सो मच। हमारे साथ नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर आकाश दबादे, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। बहुत सारी चीजें हमने उनके बारे में जानी और काफी अच्छा लगा, एक अच्छे कैरेक्टर में हमेशा से नजर आए हैं और कॉमिक टाइमिंग जो है इनकी काफी अच्छी है। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड नाइट।